وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام على تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है और हमने इस कुरान को शब-ए-क़द्र में नाजिल किया और आपको किस चीज ने बताया कि शब-ए-क़द्र क्या है। शब-ए-क़द्र हजार महीनों से बेहतर है। फरिश्ते और रूह इस शब में अपने रब के इज़्ज़त से तमाम तायुन शुदा हुक्म लेकर नाजिल होते हैं। ये रात तुलुए फजर तक सलामती ही सलामती है। वमा अलैना इल्ला वलाहुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरहबा रमज़ान की सही नशरियात के साथ मैं हूँ अना साद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात का रब है और दुरूद पाक हो सूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर जो नेज़े पर भी कुरान की तिलावत करते हैं और अपनी कुर्बानियाँ पेश करके भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी जो माह रमज़ान हो उसमें भी हमें शब्बे कदर जैसी रात नसीब फरमाए और इस माह मुबारक जो अब हमसे जुदा होने को है, हम उसे अलविदा कहने के बिल्कुल करीब है, तो अल्लाह ताला जितनी भी हमारी जो टूटी फूटी इबादतें हैं जो तो हमने ज़िक्र किया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और इसी के साथ साथ हमें दुश्मनों के शर से महफूज रखे और हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे और जो भी नापाक इरादे हैं दुश्मन नासिर के अल्लाह ताला उन तमाम इरादों को नाकाम बनाए। इसी के साथ ही नाज़रीन तिलावत कुरान पाक और कारी साहबजादा महमूद हसन साहब की तिलावत से आगाज़ हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम जी। इसके साथ ही आप जानते हैं कि फिर हमारा होता है इल्म व अमल का सेगमेंट, तो आज मौजू भी ऐसा है कि शब कदर की फजीलत के हवाले से बात करेंगे। एक तरह से शब कदर की फजीलत भी और फिर जुम्मे की एक रात हमें मिल रही है कि हम कल जो है जुम्मे का दिन है,
अब हो सकता है कि क्या पता ये जुम्मतुल विदा भी हो, तो अल्लाह ताला ने ये जो एक साथ हमारे लिए बरकतें समेट दी हैं, अल्लाह ताला हम पे इससे पूरा पूरा अजर समेटने की भी तौफीक अता फरमाए। तो कल हम बात कर रहे थे फ़लस्तीन के हवाले से भी और यौमुल कुद्स के हवाले से, जहाँ पर हमारे मुसलमान बहन भाई अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, और यकीनन वो दिन अब दूर नहीं कि जहाँ पर दुनिया के सबसे अय्यार और मक्कार, जो एक इसराइल की जो अपने आप को एक ताकत समझता है, उसका नाम लेने वाले भी लोग बाकी नहीं रहेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे इल्म व अमल के सेगमेंट में, मैं यहाँ पर तारुफ करवाऊँगी। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक बंदगी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी शिरकत का। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं अलामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया अलामा साहब। हमारे साथ एक और शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, अलामा सैयद ज़काउद्दीन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का भी। आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया अल्लाह ताला आपको। और यकीनन आज इस मौजू पर हमारी बहुत गुफ्तगू भी रहेगी आप लोगों से। मैं यहाँ पर एक और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, क्योंकि इस ट्रांसमिशन में मेरी एक जिम्मेदारी और भी है। हमारे साथ इस सहरी नशरियात को सजाने में हमारे साथ स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा। फलकनास बिल्डर्स का, कि अब हर कोई बना सकेगा अपना घर। रैकेट एंड कॉलमिन पाकिस्तान का, डिटॉल का शुक्रिया। सर्फ एक्सेल का शुक्रिया। टैंक यू एन एन फ्लेवर्स का शुक्रिया। और नेल्सन पेंट्स का भी शुक्रिया। कारवाने अमीर हमजा का शुक्रिया। और मरहबा किचन में हमारे साथ मलका मसाले का शुक्रिया। धमतल स्वीट्स एंड निमको और मारू स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही जे डॉट का भी शुक्रिया। आज जब हम बात करेंगे इतनी फजीलत वाली रात, इतनी बरकतों वाली रात, कुरान में जब और हदीस के मुताबिक जो हमें शब कदर की जो एक अहमियत है और जो फजीलत है, सबसे पहले तो हमें इससे आगाह कीजिएगा मुफ्ती साहब। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए अभी क़ारी साहब ने सूरतुल क़द्र की तिलावत फरमाई जी, और आपका सवाल भी ये है कि कुरान के अंदर और अहादीस के अंदर जी लैलतुल क़द्र की क्या अहमियत है, इस हवाले से क्या हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। तो कुरान पाक के अंदर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़द्र के नाम से बाकायदा पूरी एक सूरत को नाजिल फरमा दिया है, जो कि सूरह क़द्र है। अभी यहाँ पर तिलावत भी की गई। अच्छा, इस सूरत के अंदर बड़ी ख़ूबसूरत तरतीब के साथ लैलतुल क़द्र की पूरी फजीलत, उसकी अहमियत और वो क्या है, उसको बयान किया गया है। बिल्कुल आगाज़ में इरशाद रब्बानी है कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, फरमाया कि बेशक हमने इस क़ुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। यानी इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि अल्लाह ने नुज़ूल कुरान के लिए जिस रात का इंतखाब किया वो लैलतुल क़द्र है। ये तो सबसे बड़ी इसकी अहमियत होगी। कुरान देखें, वो ख़ुद सबसे अज़ीमुल मुरत्तब किताब है और सबसे ज़्यादा फजीलत वाली किताब है, तो उसके नुज़ूल के लिए जिस रात का इंतखाब होगा यकीनन वो भी बड़ी फजीलत वाली होगी, तो लैलतुल क़द्र हो गई। अच्छा, दूसरी इसकी ख़ास फजीलत जो इसी सूरह मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई, कहा कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कहा कि ये जो लैलतुल क़द्र है ये हज़ार महीनों से बेहतर है। यानी एक तो नुज़ूल कुरान के लिए इसका इंतखाब हुआ और दूसरा समझाने के लिए ये बताया कि ये हज़ार महीनों से भी बेहतर है। अब हज़ार महीनों से बेहतर कहा है, ये नहीं कहा हज़ार महीनों के बराबर है जी। अब बेहतर है वो कितना बेहतर है वो हम नहीं समझ सकते। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसकी तीसरी खसूसियत जो इसी सूरत के अंदर बयान फरमाई कि तनज़्ज़ुलुल मलाइका व रूह, यानी इस रात के अंदर। अच्छा, वैसे ये बात बताऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी फरिश्ते बनाए हैं तो फरिश्तों को मुख्तलिफ ड्यूटियां, मुख्तलिफ काम दे रखे हैं और उनका ज़मीन पर आना जाना, वापस आसमानों पर जाना, ये जो है तयशुदा है और वो मुख्तलिफ कामों पर मामूर हैं। लेकिन लैलतुल क़द्र की फजीलत ये है कि फरिश्ते तो वैसे भी आते हैं ज़मीन पर, लेकिन इस रात में फरिश्तों के सरदार यानी जिब्राइल अमीन भी साथ में आते हैं, जो कि सूरत के अंदर जिक्र फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि तनज़्ज़ुलुल मलाइका व रूह, यानी जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार भी आते हैं। वैसे क़द्र के एक लुगवी माना, क़द्र के बहुत से लुगत के अंदर मानी है, एक इसका लुगवी माना तंगी भी है। अच्छा। और तंगी से मुराद फुकहा ने यहाँ पर यह लिखा है
کہ اس رات اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اچھا فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ آتے ہیں مومنین کے لیے دعائے رحمت کرنے کے لیے، دعائے مغفرت کرنے کے لیے، یعنی وہ ہم مسلمانوں کے لیے دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں اس رات میں نازل ہو جاتے ہیں کہ زمین بھی اس سے تنگ پڑ جاتی ہے، اور پھر صبح ہونے تک ایک تسلسل ہے جو پوری رات یہ جاری رہتا ہے. اچھا جب ہم احادیث کی طرف چلے جاتے ہیں کہ احادیث کے اندر لیلۃ القدر کے حوالے سے کیا باتیں ارشاد فرمائی گئی، سب سے جو پہلی بات لیلۃ القدر کی فضیلت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. یہ حدیث جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ مروی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کے لیے، یعنی ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، مطلب ہے اس رات میں عبادت کرے گا، تو فرمایا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ ایک حدیث ہے جو اس رات کی فضیلت کے لیے آئی کہ اگر آپ اس رات میں عبادت کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں تو آپ کے سابقہ تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا یہ ذریعہ بن جائے گا. دیکھیں ایک رات کی عبادت یعنی وہ اتنی عظیم ہے کہ اس میں اگر کوئی رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ ہی معاف ہو جائیں گے. اچھا اور دوسرے مقام پر معذرت کے ساتھ کہ میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے. میں یہاں پر ہمارے جو قاری صاحب موجود ہیں، قاری محمود صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، بہت بہت شکریہ. آپ بریک پر چلتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں ہمارے سیگمنٹ علم و عمل میں. ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں، اور اسی کے ساتھ علم و عمل کا سیگمنٹ جس میں ہمارے معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. شب قدر کی فضیلت کے ساتھ ایک اہم موضوع جس پر ہم کل بھی بات کر رہے تھے لیکن اس میں بہت تشنگی رہ گئی تھی اور ہم اسے مکمل نہیں کر سکے تھے، تو یوم القدس منانے کے جو عالمی اثرات دیکھے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو یقیناً ہوگی. لیکن ہمارے ساتھ ایک نعت خواں شخصیت بھی موجود ہیں، میں ان کا تعارف پہلے کروا دیتی ہوں جن کے ابھی پروگرام میں انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام بھی پیش ہوں گے. نیلم ارسلان ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ آپ کی شرکت کا. اچھا لامبا صاحب، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ جو یوم القدس منایا جا رہا ہے، عالمی اثرات اس کے دیکھے جا رہے ہیں، کچھ پازیٹیو امپیکٹ بھی پڑ رہا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر الناصرین ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. آج کی رات، اور یقیناً اگر آج کی رات کے حوالے سے ہی بات کو آغاز کر دیا جائے تو سوال آپ کا اپنی جگہ یقیناً بہت احترام رکھتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے آج کے معاشرے میں. لیکن میں تو اس یہاں سے آغاز کر دوں گا کہ اس آیہ مبارکہ میں آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی، کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا سیر کے لیے. یعنی ہم جسے معراج کہتے ہیں وہ میرے رسول کی سیر کا ایک نام ہے، جو ایک رات اس جہاں سے اس جہاں کی نہ صرف اس جہاں کی بلکہ کیا ہے، وہ سدرۃ المنتہا تک کی معراج ہے، وہ جسے آج کا زمانہ یوں کہتا ہے بلیک ہول کہتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جی آپ جہاں پہنچ کے جسے بلیک ہول کہتے ہیں اسلام کا اور میرے رسول کے لیے، وہاں سے وائٹ ہول شروع ہوتا ہے. بالکل، بات تو یہ ہے کہ ابھی تک دنیا یہاں پہنچی ہے. تو یہ آج کی رات یا شب قدر کو لے لیں، یا یہ جتنی بھی ایام آتے ہیں، خاص طور پہ ایام اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، جو اللہ کے خاص دن، اگرچہ کہ اللہ کے سارے ہی دن اسی کے، مگر اس کے باوجود کچھ نسبتیں ہوتی ہیں جس سے ایک تسلسل بنتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جی ہاں، یہ رمضان المبارک جسے سید الشہور کہا گیا، یہ سردار مہینہ ہے. مہینوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ رمضان المبارک ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو دنوں کے سردار کو تو پھر کیا ہے، وہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ کیا ہے، سید الایام ہے. اور اگر میں دیکھوں تو آج کی رات کے حوالے سے تو سید الکتب جسے کہیں گے ہم،
یعنی گویا کہ کتابوں کی سردار کتاب آج کے دن نازل ہو رہی ہے. اور اگر ہم اسے جمعۃ الوداع کی نسبت سے دیکھیں تو تمام جمعے جو ہیں وہ دنوں کے سردار ہیں اور جمعۃ الوداع جو ہے وہ جمعوں کا سردار ہے. تو آج ہم جس منزل پہ بیٹھے ہیں یہ شب قدر کیا ہے؟ تو بس میں تو اتنا کہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم دیکھو آج کی رات یہ جو شبائے قدر آتی ہیں، یہ جو تاخراتیں آتی ہیں، اس میں خاص طور پہ آج کی رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کے حوالے سے بہرحال بہت زیادہ کثیر روایات موجود ہیں، اور اس میں تو آپ اس کے لیے یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی رحمت ماہ رمضان المبارک میں عرش سے اٹھا کے آسمان پر نازل کر دیتا ہے، اور آج کی رات جو ہے پھر آسمان سے رحمت جو ہے وہ فرش پہ آ جاتی، فرش نہیں بلکہ تمہارے در پہ آ جاتی، تمہارے در پر نہیں بلکہ تمہارے گھر میں آ جاتی ہے. یعنی رحمت تم سے اتنی قریب ہو جاتی ہے، تم اس سے قریب ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو نحن اقرب من حبل الورید، ہم نے جو آج تمہیں عملی طور پہ بھی میں یہ رات، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ واقعاً اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک رات 84-85 سال جی، ایک رات، ایک رمضان، اور انسان کی زندگی میں 60-70-40-50 جتنے بھی رمضان آئے، کم سے کم نارملی 50 رمضان تو ملتے ہیں، تو ذرا یہ 80 سال کو 50 سے ضرب دے لے تو دنیا کی جتنی بھی اقوام گزری، میرے رسول سے پہلے کی جتنی بھی امتیں گزری، ان کی بڑی بڑی عمریں رہیں جی، انہوں نے بہت عرصہ عبادت کی، لیکن خداوند عالم نے یہ امت مرحومہ کے لیے اتنی زندگی کی عبادتوں کو سمیٹ کے، اس ساری عبادتوں کا اجر و ثواب سمیٹ کے ایک رات میں جمع کر دیا. یہ میرے رسول کا تحفہ ہے جو کیا ہے امت کے لیے عطا ہو رہا ہے. اللہ اکبر، یہ منزلت کہاں ملی کسی قوم کو، کسی امت کو، جسے میرے رسول کی امت کے لیے خداوند عالم نے آسان کر دیا کہ تم ایک رات صرف میرے ہو جاؤ. آج کی رات کرنا کیا ہے؟ لقاء اللہ کی منزل ہے، آج اللہ سے رابطہ جوڑنا ہے، آج اس کی بندگی کی طرف آ جانا ہے. یوں کہیے کہ یہ بس کیا ہے، زندگی کیا ہے جی؟ زندگی بندگی، زندگی صرف بندگی کا نام ہے، اور بے بندگی زندگی شرمندگی. تو شرمندگی سے نکل کے بندگی کی طرف جانا ہے، یہ نہ ہو کہ جب ہم اوپر جا رہے ہوں تو شرمندہ ہو کے جائے. بندگی کے ساتھ جانے والے، پھر اس طرح بھی جملہ ابھی دو دن پہلے شہادت گزری، یعنی تو فستو ورب الکعبہ، کوئی ایسا بھی زمین پہ تھا جس نے کیا ہے زمین پر یہ کہہ دیا میں کامیاب جا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم کے میں کامیاب ہو گیا. تو بہرحال اس حوالے سے رسول تو دنیا پہ رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہے نار کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہاں کے پورے حالات بتا رہے ہیں. اور لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ جس مسجد اقصی کی بات ہم نے کی تو بہرحال یہ ہم نے رحمت کی جگہ رکھی تھی، لیکن آج مسلمانوں کے لیے یہاں سوائے زحمت کے اب کچھ نہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ بس میں تو ایک جملہ کہہ دوں گا کہ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ بس مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے جی. ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ. بالکل بہترین، بہت خوبصورت بات جی. اب اگر بات اسی کے آگے بڑھاتے ہوئے، زکا صاحب بھی، علامہ زکا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ایک قرآن میں اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے ایک تفصیل سے گفتگو کی ہے. قرآن میں انزال اور تنزیل کا جو استعمال ہوا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کے حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور مرحبا سحر کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے پورے پاکستان میں لوگ آپ کے پروگرام کو سنتے ہیں اور مختلف مسائل ان کے علم اور آگہی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ استفادہ کرتے ہیں اس سے. اس پر میں آپ کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اس کے بعد آپ نے جو انزال اور تنزیل کے حوالہ سے بات کی، مجھ سے قبل حضرات نے بھی اپنی خوبصورت گفتگو فرمائی، میں بھی اس کو ایک روایت کے ساتھ لنک کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. مختصراً تو میں یہ عرض کرتا چلوں، انزال اور تنزیل یہ بیسیکلی دو لفظ قرآن مجید میں، یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں.
اب ایک لفظ انزال ہے اور ایک تنزیل ہے، سوال یہ تھا کہ ان میں فرق کیا ہے؟ جی چونکہ سورہ قدر جس طرح یہاں تلاوت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن کو اتارا گیا، اب ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ اس رات میں اگر اتارا گیا تو ہم تو سنتے ہیں کہ اتنے سالوں میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اب اتنا عرصہ لگا قرآن مجید کے نزول پہ تو وہ ایک رات میں، ہاں وہ ایک رات میں، تو یہ جو بیسیکلی جو انزال اور تنزیل کے الفاظ ہیں ان میں یہی ہے کہ جو انزال ہے یہ یک بارگی سے اگٹھا تو یہ نازل ہوا ہے، اس رات اگٹھا ہی اترا ہے یہ قرآن مجید کی آیت، اور یہ لفظ اپنی جگہ بجا ہے، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سچائی اور ایمانداری کا پیکر ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی ایسا لفظ ہو جو مومن کی عقل سے ورا الورا ہو جائے، ما ورا ہو جائے اور اس سمجھنے سے قاصر ہو، ہاں انسان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، تھنکنگ لیول ہوتا ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن قرآن مجید بڑا ایک آسان کتاب ہے جو جس کا نزول ہوا لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔ اب انزال تو یہ ہے کہ یک بارگی کے ساتھ لوہے محفوظ پر جو قرآن مجید کتاب اللہ محفوظ تھی وہ یک بارگی سے اس کا نزول ہوا آسمان دنیا پہ، یہ تو آگے انزال۔ اب انزال کی وجہ لوگ سوال کرتے ہیں قرآن مجید جب اس رات نازل ہو گیا تو پھر اتنا عرصہ کا کیا مطلب؟ تو اس رات قرآن مجید لوہے محفوظ سے جہاں پر قرآن مجید محفوظ تھا اللہ کے ہاں، وہاں سے اس کا یک بارگی کے ساتھ نزول ہوا اور یہ آسمان دنیا پہ اس کا نزول ہوا۔ اب دوسری بات آپ نے کہا کہ تنزیل پھر یہ وہ مراحل ہیں کہ جو تدریجن قرآن مجید کا نزول ہوا، پھر وہی خدا جناب جبریل وہی لے کے آتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف، پھر موقع کی مناسبت سے جب جہاں جو موقع جس موقع کی مناسبت سے جب حسب ضرورت، جب جس آیت جس حکم کی ضرورت، قرآن مجید کے بہت سارے احکام ہیں، جب جہاں جس حکم کی ضرورت ہوتی تو آسمان دنیا سے جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں وہ آیات لے کے آ جایا کرتے تھے، یہ انزال اور تنزیل میں یہ بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کی ہے، اور ہم یقیناً ابھی اس گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے، ہمارے سیگمنٹ علم و عمل بھی ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ آج جب نیلم موجود ہیں تو میں ان سے کلام کی گزارش بھی کروں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ واپس آ کر بریک پر جائیں گے، اور واپس آ کر انشاءاللہ ہماری علماء کرام سے گفتگو جاری رہے گی۔ جی نیلم، تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم بز مردا وارا، دلم بز مردا وارا، زائی سیا یا رسول اللہ، چسوئے من گزر رارے منی مسکی زناداری، چسوئے من گزر رارے منی مسکی زنا فدائی نقش نالینت، فدائی نقش نالینت، کونم جان یا رسول اللہ، ذکر دا شد روزے سیانم، ذکر دا خویش حیرانم، سیا شد روزے سیانم، پشیمانم 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 پشیمانم
वेलकम बैक सहरी ट्रांसमिशन और अना साद आपके साथ। और जनाब अब हम बात करते हैं कि हमारा तो ये पूरा माह मुबारक ही अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो भी हमारी इबादतें होती हैं उसमें हजर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और लेकिन अगर देखा जाए कि जो ख़ास शब्बे कदर का जो अहतमाम करते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किस तरह के नवाफिल और दुआओं का अहतमाम होता था, इसके हवाले से थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिएगा ताकि जो नाज़रीन अभी हम देख रहे हैं हमें तो वो इसको अभी जारी कर सकें। देखिए रिवायात के अंदर आता है कि सिर्फ़ शब क़दर ही नहीं बल्कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक के महीने का आगाज़ होता था तो नबी अली सलाम की इबादतों में इजाफ़ा हो जाया करता था। ख़ुद क़ुरान पाक के हवाले से मौजूद है कि क़ुरान पाक की तिलावत जो है इसमें इजाफ़ा हो जाया करता था, शब बेदारी में इजाफ़ा हो जाया करता था जी, सखावत में इजाफ़ा हो जाया करता था। यानी ये सारी चीज़ें जो है रमज़ान आते ही जी नबी अली सलाम उम्मत की तालीम के लिए इन चीज़ों में इजाफ़ा फरमा दिया करते थे। अलबत्त ख़ास तौर पर शब कदर के हवाले से, अच्छा पहला सवाल तो ये है कि शब कदर आपने कहा इसमें कौन सी इबादत की जाए, कौन सी इबादत की? असल में शब कदर तो एक मख्फी रात है, एक पोशीदा रात है, उसकी तायीन यकीनी और हतमी तौर पर नहीं मतलब की गई है। 21 23 और 25 27 29 में ही ढूंढते हैं और इन पांच रातों में एहतमाम करते हैं। जी जी जी, वो भी अहादीस की ही रूह से हम देखते हैं कि नबी अली सलाम ने पूरा महीना एतिकाफ फरमाया जी, पहले अशरे में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, और उम्मत की आसानी के लिए, मैं दरमियाना कौल जिक्र कर रहा हूँ, उम्मत की आसानी के लिए नबी अली सलाम ने फरमाया कि मैंने पहले अशरे में भी इसको देखा है, दूसरे में भी देखा है, तो मुझे जो लैलतुल क़द्र मिली है या उम्मत को कहा कि लैलतुल क़द्र जो तुम्हें मिलेगी वो आखिरी अशरे में, और फिर उसको मज़ीद आसान और मुख्तसर किया, फरमाया कि इसको ताक रातों में तलाश करो। अब चूंकि ये तो एक मख्फी अमर है और इसके अंदर इस्लाम की तालीमात का भी पता चलता है कि इस्लाम चाहता क्या है, क्योंकि हमारा जहन तो यही कहता है कि इसकी तायीन हो जानी चाहिए थी ताकि हमें आसानी हो जाती और उसमें हम इबादत करके खूब खूब इसमें रात की बरकतें ले लेते, लेकिन इस्लाम का तकाजा ये है कि वो किसी एक रात में इबादत कराना उसका मकसूद नहीं है कि आप सिर्फ़ एक रात में इबादत करें और उसके बाद आप रुख्सत पे चले जाएं। तो इसीलिए इसको मख्फी रखा कि आप हर रात को यही समझें कि शायद यही हो शब क़दर और आप उसमें जागें, इबादत करें, दूसरी को समझें शायद ये हो, ताकि इबादत का तसलसल और अपने रब से तुम्हारा एक ताल्लुक कायम रहे। तो ये एक तो ये इस्लाम का तकाजा है, इसको भी समझना चाहिए। दूसरा ये कि अगर बिलफर्ज़ ये रात किसी को मिल जाती है तो उसे इस रात में क्या अमल करना चाहिए। पहले एक हदीस मैंने जिक्र भी कर दी है कि जिसमें नबी अली सलाम ने फरमाया कि जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया। अब ये जो क़याम का लफ्ज़ है ये थोड़ा सा वसी मफहूम रखता है, इससे मुराद ये भी है कि आप खड़े होकर इबादत करें, इससे मुराद ये भी है कि आप नफली नमाज अदा करें, और इससे मुराद ये भी है कि आप शब बेदारी करें। अच्छा, जब आप शब बेदारी करेंगे उसमें मुख्तलिफ असकार करेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं उसमें क्या इबादत करूंगी और क्या दुआ मांगूंगी, तो आप फरमाती हैं कि मैं उसमें अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगूंगी और माफ़ी मांगूंगी। और आप ही की रिवायत मौजूद है कि नबी अली सलाम ने एक दुआ तालीम फरमाई जो ख़ास तौर पर इस शब का वजीफ़ा है। हदीस के अंदर जिक्र फरमाया कि अगर तुम्हें लैलतुल क़द्र मिल जाए तो उसमें तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन करीमन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी या गफूर या गफूर या गफूर। तो ये तो हदीस के मुताबिक एक दुआ है। अच्छा, अगर हम इस दुआ पर नज़र डालते हैं तो इसका मफहूम क्या है? इसका मफहूम ये है कि आप अपने रब से माफ़ी मांग रहे हैं, मगफरत तलब कर रहे हैं। तो अगर ये दुआ भी पढ़ते रहें और अगर आपको किस्मत से ये रात मिल जाए और अल्लाह करे सारे मुसलमानों को मिल जाए, तो उसमें आपका जो ख़ास वजीफ़ा हो वो यही होना चाहिए कि आप अपने रब से आफियत और मगफरत तलब करते रहें। अब उसके अज़कार के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, आप इस्तग़फार करते रहें, आप मुख्तलिफ दीगर जो आयात हैं आसार में जो अहादीस हैं उनके ज़रिए करते रहें, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये होगा कि आप उस रात को जाग कर इबादत और उसके अहतमाम के साथ गुजार लें। बहुत खूबसूरत बात ये, और जाहिर सी बात है कि हमारी जो नवाफिल भी हैं वो जो नमाज़ें हमारी रह जाती हैं, और नमाजें बहुत सारी की बहुत बाद उम्र के पढ़ना शुरू की हैं, तो वो नवाफिल की जो तादाद है वो भी मैं चाहूँगी कि अलामत साहब इसमें भी थोड़ा सा इजाफा कर दें कि वो नवाफिल नमाज की तादाद को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तिलावत और हिफ्ज़ का एक बहुत बड़ा अजर है, लेकिन अगर खुलासा कुरान देखा जाए तो कुरान का जो असल पैगाम है वो हमें क्या मिलता है?
جزاک اللہ. بات تو یہی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو لیلۃ القدر یہ ہے کہ ساری رات تنزل الملائکہ, ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں. لیل رات کو کہتے ہیں. جب اندھیرا ہو تو فرشتے آتے ہیں انسانوں کی مدد کے لیے. حتیٰ مطلع الفجر, بہت مختصر کروں گا کہ وقت نہیں ہے. حتیٰ مطلع الفجر, یہ حتیٰ مطلع الفجر کیوں, دن بھر میں کیوں نہیں آ رہے, رات ہی تک کیوں آ رہے. کہا فجر بھی, جیسے کہا نا قیام کے دو معنی ہے, فجر کے بھی دو معنی ہے. کچھ فجر یہ ہے کہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا پر اجالا ہو گیا, ایک فجر وہ ہے کہ انسان کے ذہن میں اجالا ہو گیا. تو یہ جو ذہن میں اجالا ہو جائے اس فجر کی بات ہو رہی ہے. تو فرشتے اس وقت تک انسان کے مددگار ہیں جب تک اس کی فجر نہیں ہو جاتی. جس انسان کی فجر ہو جائے, یا یوں کہہ لیجئے کہ پھر کیا میں کہوں گا کہ قدر کیا ہے. یہ قدر کیا ہے, اگر اردو میں ہمارے یہاں بچے تو یہ سمجھیں گے قدر و قیمت. جی, تو بس تم اس کو قیمت والی ہی رات سمجھو, قیمتی رات ہی سمجھو, ورنہ قضا و قدر کی منزل ہے. یہاں تمہاری تقدیریں لکھی جاتی ہیں. آج تمہیں اپنی تقدیر کو بنانا ہے, خودی کو کر بلند اتنا. ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری, بتا تیری رضا. یہ آج تمہارے در پہ آیا, جو میں نے قول نقل کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا, کہ یہ رات بخشوانے کی رات ہے. آج بخشش کراؤ, اور اگر آج نہ بخشوا سکے تو پھر عرفات کے میدان میں نو ذی تک جانا ہے. دیکھو ایک مرتبہ کتنی مساوی ہو گئی ہے. جناب صاحب, آپ نے ایک جو بات کی ہے کہ وہ جو فرشتے اترتے ہیں اور وہ جو تقدیر بنانے کے لیے, وہ کس کے پاس اترتے ہیں اور کس اس پہ بات کریں گے, کیونکہ یہ تھوڑا سا تفصیلی جواب ہے. بریک اپ بھی وقت ہوا جا رہا ہے, لیکن زکا صاحب تھوڑا سا آپ بھی اس حوالے سے کچھ اضافہ کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر مکمل ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اس کو, جس طرح آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا اور اس کا پڑھنا تلاوت کرنا بھی ثواب ہے, لیکن اس کا اصلی مقصد کیا ہے قرآن مجید کا, میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا اس کو بھی وائنڈ اپ کر لوں. میں یاد رکھیں, قرآن مجید کی تلاوت اپنی جگہ بجا ہے. اس کو تلاوت کریں گے تو آپ اس کا ثواب اپنی جگہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا ثواب, قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے, اور حفظ کرنا اس کو, یہ تو نور علی نور ہے, یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. رہا سوال آپ کا کہ قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے, تو اصل مقصد میں یہ تھوڑا سا فرق ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے قرآن مجید کے, ہم نے پورا رمضان گھروں میں خواتین, مرد و خواتین ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان میں ہر روز اتنا پڑھنا ہے اور اتنے قرآن مجید ہم نے رمضان شریف میں ختم کرنے ہیں. ایک تو یہ چیز آ گئی, یہ بھی ثواب ہے, بہت بڑے اجر کا کام ہے, فضیلت کا کام ہے, افضل کام ہے. یہ بھی ایک یہ ہے کہ پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے, قرآن کا نور اس کے سینے میں اتر جائے اور قرآن کی محبت کے چراغ اس کے سینے کے اندر روشن ہو جائے. اب یہ بھی بہت بڑے ثواب کی بات ہے, یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا قیامت والے دن میدان محشر میں جو حفاظ کرام ہوں گے ان کے والدین کے سروں پر اللہ تعالیٰ نورانی تاج کو سجا دے گا. اب یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. دنیا میں میں سمجھتا ہوں, دنیا میں اگر عام کوئی بندہ ہے جس کو کوئی دنیا میں پوچھتا تک نہیں ہے, جس کو ہر در سے دھکا دیا جاتا ہے, اگر اس کی اولاد حافظ قرآن ہے, اس کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے, تو صبح قیامت والے دن میدان محشر میں دنیا میں جسے کوئی نہیں پوچھتا, میدان محشر میں اللہ کے حکم سے اس کے سر پر نورانی تاج سجایا جائے گا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. رہی بات کہ اصل مقصد قرآن مجید کا کیا ہے, قرآن مجید کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اعتقادیت کے اعتبار سے, اعتقادیات کے اعتبار سے اور عملیات کے اعتبار سے آپ کو کامل ہونا ہے. قرآن مجید نے جو عقائد بتائے ہیں, مثلا شرک سے بچنا ہے, گناہ سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے, چوری سے بچنا ہے, قرآن مجید میں زندگی کے ہر پہلو کا ذکر کیا گیا ہے. اب اعتقادیات, جن عقائد کا ذکر قرآن مجید میں ہے, ان عقائد کو سمجھ کر ان عقائد کو اپنانا ہے. جس چیز کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے, ان پر عمل کرنا ہے, جس کو چھوڑنے کا کہا اس کو چھوڑنا ہے. ایک بات یہ آگئی عقائد کے حوالے سے, اور دوسری آگی عملیات کے حوالے سے. قرآن مجید نے جس عبادت کا, جن امور پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے, تو اس کو, اس کا احکام کو بجا لینا, ان پہ عمل کرنا, یہ دو چیزیں بنیادی طور پہ ضروری ہیں. میں اختصار کے ساتھ آخری بات کروں گا. چونکہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر قرآن مجید کو فقط تلاوت تک رکھ لیا, سر میں درد ہوا تو سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک مار دی, ان چیزوں سے تھوڑا سا ہمیں باہر آ کے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. جب سمجھیں گے تو پھر قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. بہت اچھا میسج, اس پر ہم مزید ابھی بات بھی کریں گے. یہ پوری نتیجے تک آ جائے گی, افلا تعقلون افلا تدبرون.
کیوں نہیں تدبر کرتے؟ غور و فکر کرو قرآن میں، یہ تمہارے لیے پورا دنیا سے لے کے آخرت تک کا وہ راستہ ہے کہ جو نجات دلانے والا ہے۔ بالکل، اصل میں عمل کرنے کے لیے آیا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، لیکن یہ عمل کرنے کے لیے۔ مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، آپ کی شرکت کا بہت شکریہ۔ نیلم، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، بہت شکریہ۔ لیکن جاتے جاتے آپ سے کلام کی گزارش بھی کروں گی، اور ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں یاری اہل دین ہے، اس وقت حضور کا اور روح اصل دین ہے، خطبہ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہمارا علم و عمل کا سیگمنٹ، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بھی، مرحبا کچن، جہاں پر ہماری آج کی سحری تیار ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے کچن میں جا کر آج کی ریسیپی ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں۔ شیف سبین ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی۔ سبین کیا بنا رہی ہیں آج؟ آج ہمارے پاس وائٹ کڑھائی ہے، ٹھیک ہے، وائٹ کڑھائی بنا رہی ہوں، اور سافٹ ڈرنک میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ پاس ٹینک ہے، ٹھیک ہے۔ وائٹ کڑھائی، اصل میں ایکچولی میری آواز بہت ٹھنڈی ہے، آپ میرے خیال ہے ٹھنڈا کچھ زیادہ تو نہیں؟ میں نے ٹھنڈا نہیں پیا، لیکن یہ کہ دو تین دن سے آپ کو پتہ ہے کچھ عبادات چل رہی ہیں، اور ماشاء اللہ سے آپ کی جو ہیں وہ صاحبزادی بھی جا رہی ہیں زیارت کے لیے، جی، تو اس حوالے سے بھی آج مطلب آپ کے لیے مطلب بہت خوش نصیبی کی بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ بہترین سفر بھی رکھے، بہترین زیارات پہ جب جا رہی ہیں، تو ہم سب کے لیے بھی ایک دعا ہو وہاں پہ۔ آپ بالکل انشاءاللہ، نا بہت شکریہ، اور میں بلکہ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ سے ہر سال اس کا بلاوا ہوتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے، عید وہیں کرتی ہے، تو اس دفعہ بھی عید کربلا میں ہی کرے گی، صبح کی اس کی فلائٹ بھی ہے۔ تو آج کی ہماری جو ریسیپی ہے وہ وائٹ کڑھائی بنا رہے ہیں۔ وائٹ کڑھائی کے لیے ہم نے دہی لی ہے، آئل پہلے سب سے پہلے آئل لیا، اس کے بعد ہم نے اس میں چکن شامل کر دی تھی تاکہ چکن اچھی طرح گل جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو وائٹ کڑھائی کا پیکٹ ہے وہ ہم شامل کر رہے ہیں، ایک پیکٹ پورا، ٹھیک ہے، 1 kg گوشت کے اندر، جی یہ ہم نے شامل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے پاس دہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس میں تھوڑا سا ٹماٹر بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں، کیونکہ جو گرین اور ریڈ کڑھائی ہوتی ہے اس میں ٹماٹر شامل ہوتا ہے، صحیح ہے۔ ہمارے پاس دہی ہے، دہی کو ہم نے شامل کیا، اور لہسن اور ادرک کا پیسٹ 1 چمچ شامل کرنا ہے، صحیح ہے۔ تمام جو ہمارے پاس مسالے ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر لیا۔ اگر آپ چاہیں، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر تھوڑی سی گریوی چاہتے ہیں تو تھوڑی سی ہمارے پاس ان کی پیاز شامل کرنا ہے، تمام چیزوں کو ہاں اچھی طرح مکس کر کے، جی، اور اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
अच्छा, क्योंकि ये चिकन है तो चिकन ये के बहुत ऑलमोस्ट जो है ना 7 से 8 मिनट में पक जाएगी। ठीक है जनाब, तो चलिए आप तैयारी करें और इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद हम आपकी तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ मुझे मौजूद मेहमान हमारे प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं, मैं इनके तारुफ की तरफ चलूँगी। अलामा डॉक्टर शाह फिरोजुद्दीन रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। और इनके साथ मौजूद हैं शाह हुसैनुद्दीन रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का भी। लामा साहब, कल बात हो रही थी यौमुल कुद्स के हवाले से और कल कुछ तजावीज़ भी आप दे रहे थे, मैं चाहती हूँ कि आज इस पर मज़ीद आप जो कुछ शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि इस मौजू पर बात की जाए, तो इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم। يوم القدس کا موضوع چل رہا ہے اور جب موضوع چل رہا ہے तो अपनी गुफ्तगू के दौरान, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम पूरी दुनिया तक पहुँचते हैं, तो जहाँ जहाँ भी हमारे न सिर्फ मुसलमान बल्कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये तमाम लोग पूरी दुनिया में सुनते हैं कि इसराइल के बारे में मुसलमानों का क्या मौक़िफ़ था और मौक़िफ़ है, वो क्या चाहते हैं। देखिए, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि ये 100 साल से ज़्यादा का एक मसला हो गया। अभी तक जो कोल्ड स्टोरी होती है ना, उसमें सर्द उसमें डाला हुआ है सरखाने में, और इसको मसले को मग़रिबी ताकतें हल कर देना नहीं चाहती। मेरी मुराद है अमेरिका एंड बरतानिया। मैंने बरतानिया का नाम इसलिए लिया कि इसराइल में अगर तारीख़ उठा कर देखें कि इसराइल की सरपरस्ती बरतानिया कर रहा था जी। और प्लस अमेरिका वहाँ से गाइडलाइन आती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई यह फलस्तीन वाले यानी मुसलमान जिनका हक है एक सरजमीन पर, अब वो मैदान अमल में आ रहे हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए अब हुकूमत बना देनी चाहिए। और बरतानिया ने वहाँ से इसराइल को खाली कर दिया और इसराइल की हुकूमत कायम करने के लिए ये ऐलान किया, ऑन रिकॉर्ड है जी, कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी यहूदी हैं जी, वो इसराइल में आ जाएं और इसराइल में आकर अपनी हुकूमत चलाएं। नतीजा ये हुआ कि ये बाई फोर्स हुकूमत कायम कर दी गई और बरतानिया ने वहाँ से गुलो खलासी की, या ये कह लें कि वहाँ से पहलू तय की जी। और वहाँ से ये फितना छोड़कर वो चला गया। और कुरान में ये है कि अबल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, ये फितना जो है ये कत्ल से ज़्यादा शदीद होता है। अब बात आपने मौक़िफ़ की कि ये कहा गया कि मौक़िफ़ क्या है, क्या करना चाहिए,
तो मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर ये कहना चाहता हूँ, मौक़ब ये है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये वाज़े तौर पर 1920 में ऐलान कर दिया था इंडियन मुस्लिम लीग, बिल्कुल कह दिया था कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल, उसूलों पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, और आखिरी वक्त तक उस पर वो कायम रहे। कहना यह है कि हमारा फैसला, क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप किया जा रहा है शायद, तो मैं ये मौक़ब वाज़े करना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे पूरी दुनिया में यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है, मैं हज़रत आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अज़मत को सलाम करता हूँ। माशाअल्लाह, उन्होंने दो जुमले मेरे दिल को बहुत लगे। एक तो फरमाया कि अमरीका न रूस सुपर पावर है खुदा, यानी उन्होंने अकीदा दिया कि अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं है, हमारी अल्लाह के आगे क्या हैसियत है। दूसरी चीज ये अल-कुद्स के मामले में फरमाया कि तमाम दुनिया के मुसलमान, देखिए हमें अपनी तंग नज़रियों को ख़त्म करके एक वसीउल क़ल्ब, वसीउल ज़हन इंसान और पाकिस्तानी और मुसलमान होना चाहिए। मैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इस कॉल पर अमल करता हूँ। मेरे दादा शेखुल इस्लाम मौलाना शाह ज़ियाउद्दीन क़ादरी देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बार बार अपनी तकरीब में फरमाते थे कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो कि क्या कह रहा है। मौला अली का कौल है। तो आयतुल्ला खुमैनी ने फरमाया कि पूरी दुनिया के मुसलमान जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स के नाम से मनाए जाए, मनाए, और पूरी दुनिया के मुसलमान यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर दिया कि मुत्तहिद होकर इस कॉज के लिए सरगर्म में अमल हो जाएं। मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर कोई और ये बात करता या ये कहता कि अमेरिका ना रूस सुपर पावर है खुदा, वो नीचे होता और उसकी कुर्सी उसके ऊपर होती। बेहतरीन, बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, बिल्कुल। अब हमारा मौक़ब क्या है, वो ये है सिर्फ एक दो अल्फाज में जी, कि जिस तरह अक़वामे मुत्तहिदा मारिज़े वजूद में आई है, मैं ये सवाल करता हूँ कि दो अगर आपके मर जाते हैं तो तूफ़ान बपा हो जाता है, और यहाँ मुसलमानों को हज़ारों की तादाद में बॉम्बार्डमेंट करके और फायरिंग करके मार दिया गया, जब हम रोए तो हमें रोने भी नहीं दिया जाता। बहुत सारी बातें मुख्तलिफ करते हैं, मैं कहता हूँ कि बड़ी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इंसानियत की बात करते हो, और फिर ये कहते हो कि ह्यूमन राइट्स की तंजीम में हमारी इंसानियत की खिदमत कर रही, जो इंसानियत की खिदमत करे वो बड़ा बड़ा अजीम है, चाहे कोई भी इंसान हो जी। हमारा मुतालबा ये है कि दुनिया में जितनी और ख़ास तौर पर अरेबियन कंट्रीज़ जैसे मगरबी ममालिक मुत्तहिद होकर उनके कौस को तकवियत पहुंचा रहे हैं, इसी तरह मुसलमान मुत्तहिद होकर इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर जी। और ये जो एक नर्म गोशा नम्र रवैया इख्तियार किया है,
इसको ख़त्म कर दें। चलिए बिल्कुल। और अभी और सुपर गुफ्तगू दोबारा अपने मुसलमानों की मुस्लिम अक़वामे मुत्तहिदा बनाएं जी, ये हमारा मुतालबा है बिल्कुल कि अक़वामे मुत्तहिदा के मुकाबले में जी, क्योंकि वो इंसाफ नहीं कर रही, जस्टिस नहीं कर रही, 100 साल हो गए जी, ये मामूली बात नहीं है। बिल्कुल अलामा साहब, इस पर बात होगी क्योंकि ब्रेक का भी वक्त हुआ जा रहा है और यहाँ पर मौजूद हैं शाह हुसैन भी, और मैं चाहूँगी कि एक कलाम की तरफ चलें और इंशाल्लाह ब्रेक पर आकर मज़ीद गुफ्तगू रहेगी और आप भी हमारे साथ रहिएगा। ऐसे उनके आम हो गए फैज़, उनके आम हो गए हाँ हो गए फैज़, उनके आम 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 हो गए जहाँ गुलाम हो गए, दो जहाँ गुलाम हो गए, और नाम लेवा उनके जो हुए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊँचे नाम हो गए, उनके ऊंचे नाम हो गए हाँ हो गए, उनके ऊंचे नाम हो गए फैज़, उनके आम हो गए, और वास्ता दिया जो आपका, वास्ता दिया जो आपका, मेरे सारे काम हो गए, मेरे सारे काम हो गए हाँ हो गए फैज़, उनके आम हो गए, दो जहाँ गुलाम हो गए, और सब बा सब खड़े हैं सब शहीद, सब बा सब खड़े हैं सब शहीद, और हुसैन इमाम हो गए। वेलकम बैक, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और जनाब हमारी मरहबा किचन में यकीनन आज की जो वाइट कढ़ाई थी वो तैयार हो चुकी है। अभी एक प्रेजेंटेशन, जाहिर सी बात है वो सबीन बहुत अच्छे तरीके से करती हैं क्योंकि खाना खाने से पहले उसका जो पेश करने का अंदाज़ होता है वही खाने की तरफ रगबत भी ज़्यादा ले जाता है। तो सबीन यकीनन तैयार होगी बिल्कुल, है ना? टाइम पे आई हूँ आपके पास? बिल्कुल सही आई हूँ। अच्छा, और इसमें मैंने थोड़ा सा कोयले का स्मोक दिया है। अच्छा, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बारबेक्यू वाला महसूस हो। सही है, मैं इसको बल्कि बेहतरीन सहरी में आज वाइट कढ़ाई तैयार हो चुकी है और आप टैंक के साथ इस्तेमाल कर, सहरी हो या इफ्तारी हो दोनों में आपका एनर्जी लेवल बरकरार रखेगा टैंक। हाँ, साथ में हमारे पास टैंक भी हमने रेडी कर लिया था। अच्छा, थोड़ी सी है ना इसमें मैंने ग्रेवी रखी है बिल्कुल, ताकि ये के ऐसे सहरी में खाया भी ऐसे जाता है कि थोड़ा सा ऐसे हो कि आराम से खा लिया जाए, ज़्यादा जो हैवी हो जाते हैं और बिल्कुल वो भुना हुआ होता है तो वो मेरे ख्याल मैदे खाने में जी बिल्कुल ऐसा है, वरना अगर भुना हुआ कोई सालन हो तो आप उसके साथ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चले। अच्छा, हरी मिर्चें जो थी वो उसमें हमने थोड़ी सी शामिल कर दी थी, साबुत हरी मिर्च, साबुत मिर्च बेहतरीन जी। वाइट कढ़ाई में ये एक मज़ेदार सी चीज़ होती है और मुझे मतलब बहुत पसंद है।
चलिए सभी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, और ये हमारे मेहमान आज जरूर ट्राई करेंगे और फीडबैक आपको कल मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सभी। जब हम बात करते हैं आज शब कदर के हवाले से भी कि आज 23वीं शब है और फिर बात होती है, अलामा साहब अभी थोड़ी देर पहले फरमा भी रहे थे कि जब फरिश्ते आते हैं अल्लाह हज़रत जिब्राइल की बात होती है कि वो अल्लाह का अमर लेकर आते हैं तो फरिश्तों की एक जमात भी साथ होती है, तो ये किन के पास उतरते हैं? जो आप ने तकदीर का भी जिक्र किया था, तकदीर बनाने का जो एक सिलसिला होता है वो भी, तो ये किन के पास आते हैं पहले इसकी वजाहत कर लीजिएगा। बस बहुत मुख्तसर बात अगर इस पर की जाएगी तो यही कहा जाएगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो तरह के कुरान अता किए हैं। अच्छा, ये दो तरह के कुरान से क्या मुराद है, कहीं गलत फहमी ना हो। एक वो कुरान है जिसको हम किताबी कुरान कहते हैं, जो लोहे महफूज से हमारे पास आया है, और एक वो कुरान है जिसे हम अमली कुरान कहते हैं, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, ये अमली कुरान है। अगर कुरान को तुम चलता फिरता देखना चाहो तो मेरे रसूल को देख लो, और अगर रसूल की सीरत को तुम किताब में लिखना चाहोगे तो वो कुरान मजीद बनेगी। बस इस तरह से तो आप जाते हुए दो चीज़ें हमें देखे गए, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहला बैती, यानी एक कुरान मजीद जो हमें कुरान सामित की सूरत में मिला, और एक कुरान मजीद जिसे हम कहेंगे कुरान नातिख यानी सीरत की सूरत में मिला, अमली कुरान हमें मिला वो अहले बैत अथार। तो ये लोहे महफूज से जो नाजिल हुआ तो ये कल्ब अथर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और ये कल्ब अथर से फिर यूँ कहिए कि जो मेरे रसूल के कल्ब में नूर कुरान था, कुरान नातिख था या कुरान सामित था, तो आज भी ये कुरान मजीद जो महफूज है वो उस ज़ात के पास है जो रसूल के कल्ब में थी। अब वो अर्श पे बहुत सारी मिसालें हैं इसके, अभी हम नहीं जाएंगे, कि जब भी खुदा ने कल्ब रसूल में देखा तो कभी अली नज़र आए, कभी हसन नज़र आए, कभी हुसैन नज़र आए, और आखिर ज़माने के लिए जब खुदा ने देखा तो वो आखिरी हुज्जत जिसे हम साहिब अमर के नाम से पहचानते हैं, जिसे पूरी दुनिया की हर कौम जिसका इंतज़ार कर रही है, तमाम मुसलमाना ने इस्लाम जिसका इंतज़ार कर रहा है, वो है फर्जंद रसूल दिलबर हज़रत ज़हरा, यानी यूँ कहिए कि अर्जुमन अली मुर्तज़ा, वो हज़रत इमाम मेहदी की ज़ात है। तो ये जब मलाइका नाजिल होते हैं तो वो एक जो तसलसल इमामत का और क्या है रसूल की गोया के यूँ कहिए कि नियाबत का सिलसिला चल रहा है, वो दीन की महाफिजत जिनके पास है आज भी उन्हीं के पास अमर ले करके नाजिल होते हैं और वो फिर तकसीब आम करते हैं, तो फैज़ आम यहीं से जारी होता है। अभी आप सुन भी रहे थे, और बहरहाल मैं कहूँगा कि ये चूँकि यौम कुस के हवाले से बात हो रही है तो वो बड़ी मुस्तनद हदीस भी मौजूद है कि जब सारे मुत्तफिक हैं इस बात पर कि जब आखिर ज़माना आएगा, अब वो वक्त करीब आ चुका है, यकीनन उलमा ने और बुज़ुर्गान ने अब इस बात को बता दिया है कि पहले समझ रहे थे कि ज़रा इसराइल का ख़ात्मा जो है वो ताखीर है, अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन आजकल जो वो हरकतें अब करता फिर रहा है तो इसका मतलब अब लोग ये कह रहे हैं कि अब उसके ख़ात्मे का वक्त और करीब हो गया है, यानी उसके ख़ात्मे का वक्त करीब होने का मतलब ये कि उसी इलाके में वो सारी जंगें होनी है, वो सारा सिलसिला बनना है, कि जो साहिब आमर जिसे हम इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ कहते हैं, वो ज़ात गिरामी जो है वो वहीं पर उसी खित्ते में यानी गोया शाम के इलाके में और बिल्कुल फ़लस्तीन के साथ और यूँ कहिए कि इसराइल के सर पर वो आएंगे, हज़रत ईसा तशरीफ़ लाएंगे, तो वो कुरान मजीद भी होगा और अंबिया भी होंगे, और जैसे कि मैंने कहा शब कदर नमाज की रात है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जी हाँ आज क़यामुल लैल का वक्त है। आज क्या है, इंसान को इबादत में अपने वक्त को सर्फ करना है, खुदा की बारगाह में क़याम की मंजिल पर आना है, और ये क़याम अब जाना है वहाँ तक कि नमाज कायम हो जाए, जैसे रसूल ने मस्जिद अक्सा में नमाज कायम की थी, ऐसे सारे औलिया ने खुदा जो है वो आखिरी हुज्जत खुदा यानी इमाम ज़माना के क्या है सात नमाज को अदा करें, उनकी ताकीब में नमाज को अदा करें, उनकी इमामत में नमाज को अदा करें, तो ये वो फिर एक मरतबा दोबारा मेराज इंसानियत होगी। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं
उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी ये ज़रा जज्बे बदरी पैदा कर ले मुसलमान तो आज भी ये सारी फ़लस्तीन की जो मुश्किलात हैं ये दूर हो जाएंगी। बस शर्त यह है कि हर मुसलमान यही दुआ करे कि परवरदिगार मेरे कल्ब में वो बदरी जज्बा पैदा कर दे। आमीन आमीन जी, बहुत शुक्रिया। मैं अलामा ज़का साहब आपकी तरफ ये लेकर आऊँगी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात हो रही थी, मुख्तसरन इसमें इजाफा कर दीजिएगा कि अभी हमने जो कहते हैं कि अगर खलासे कुरान को अगर हम सबको देखते हैं कुरान पाक का एक मैसेज, वो सिर्फ ये थे कि हम पढ़ रहे हैं कुरान पाक, बेशक इससे बेहतरीन इबादत तो कोई और हो ही नहीं सकती और आज की रात में, लेकिन हमने जो वो तालीमात जो कुरान के अंदर मौजूद है वो तमाम चीज़ें जो हम नहीं कर रहे हैं और दूसरी ऐसी गैर मुस्लिम करके वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो हमारी किताब में मौजूद है, हमारे कुरान हकीम में मौजूद है, इसके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई खूबसूरत सवाल है आपका, चूँकि इसी के साथ रिलेटेड आपने मुझसे पहले भी क्वेश्चन किया। मेरा तो जी चाहता है कि आपके हर सवाल को मैं डीपली जाके उस पर गुफ्तगू करूँ, लेकिन जाहिर सी बात है वक्त की तनावों के अंदर और वक्त अपने अंदर इतनी वसत नहीं रखता। अब बल्कि मेरा फिर भी जी चाहता है कि मैं कोशिश करता हूँ इख्तसार के साथ आपके हर सवाल को डीपली जाके उस पर बात की जाए। मैसेज आज के लिए बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मैसेज है। आपने बहुत अच्छी तरफ रहनुमाई फरमाई और बहुत अच्छा सवाल था आपका। कौम को इस समझने की, इस चीज़ की समझने की अशद ज़रूरत है कि हमारी कौम आज कई और चक्रों में पड़ गई। जो अल्लाह ताला ने इंसानियत की रशद हदायत के लिए, इंसानियत की बुलंदी के लिए, इंसानियत के मेराज के लिए, इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत की कामयाबी के लिए जो कुरान मजीद का नज़ूल फरमाया और उसमें अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया, जैसे हजरत फरमा रहे थे फला ताकिलू नफला या किलू नफला तदब्बरून, तुम गौर व फिक्र करो कुरान मजीद में, तुम गौर व फिक्र करो, उसको रिसर्च करो, इसको देखो, इसमें हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला ने इस कुरान में रख लिया है। अब इसको मैं अपनी एक रवायत के साथ लिंक करूँगा। पहले तो मैं जो बात कर रहा था उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। अब हमारे माशरा के अंदर जुल्म ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि कुरान मजीद को, अव्वल तो ये है हमारी कमज़ोरी कि हमने पूरा साल उसको बंद करके अलमारी में रखा होता है, ताक पे सजाया हुआ है, जाके कहीं रमज़ान आता है तो घरों से निकलता है कुरान मजीद, उसकी तिलावत की जाती है, पूरा साल बंद कुरान मजीद रमज़ान में बरकत के लिए खुलता है। तिलावत का सवाब अपनी जगह, वो मैं पहले डिटेल से बयान कर चुका हूँ, कुरान का जो मैसेज है जो पैगामात उसमें मौजूद है, मैं उस तरफ नहीं आना चाहता। अब ये है कि कुरान मजीद को समझना है हमने। आज अगर साइंस तरक्की करके इस दर्जे पे पहुंच गई, गैरों ने उसका मुतालिया करके उससे बहुत सारे चीजें अखज की और उसको तरक्की के लिए इस्तेमाल किया, हमारे मुसलमान उसको बुलाए बैठे हैं, कुरान मजीद की तरफ रग़बत ही नहीं है। उसकी बेसिकली एक वजह है, वजह यह है कि आपके बच्चे जब हमारे माशरे के अंदर जो नई नस्ल है, अब जब वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है उसके और उसके पेरेंट्स को बड़ा ख्याल होता है उसके ट्यूटर्स का, कौन से इसके टीचर्स हैं, ट्यूटर कौन से हैं, कैसे हैं, कितनी तालीम है। फिर जब वो यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज से घर वापस आते हैं फिर उससे पूछा जाता है क्या पढ़ा तुमने, आपके टीचर ने आपको क्या समझाया, आपके टीचर कैसे हैं, हर चीज़ पर फोकस किया जाता है। अलमिया यह है कि जब बात कुरान मजीद की आ जाती है, जो तो बच्चा पढ़ने गया तो गया, ना गया तो भी कुछ नहीं, छुट्टी की तो भी कुछ नहीं, याद किया तो भी, ये बहुत बड़ा अलमी है। अपनी औलाद को कुरान की तरफ लेके आए, कुरान के इल्म सिखाएं और जब कुरान मजीद की समझ आएगी तो ये सारे तरक्की की राह आपके सामने, रास्ते सामने आ जाएंगे और आसान हो जाएंगे। मैं इसमें ये बात ऐड करना ज़रूरी समझता हूँ, जिस तरह हजरत ने फरमाया दो चीज़ें छोड़ के गए, कुरान और अपनी आल, आले बैत और कुरान, दो चीज़ों को छोड़ के गए हैं। अब कुरान समझ कब आएगा, लफ्ज़ों वाला कुरान हम पढ़ लेंगे, उसको प्रैक्टिकल देखने तो हज़रत आले बैत अलैहिस्सलाम को देखेंगे, हज़रत आले बैत अलैहिस्सलाम ये कुरान का प्रैक्टिकल है। और इसमें ये रवायत में ना पढ़ूँ तो ये ज्यादती होगी कि मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सारी दुनिया का, सारी कायनात का इल्म कुरान में रखा है, और मजीद फरमाया कि सारे कुरान का इल्म सूरह फातिहा में रखा है, मजीद फरमाया कि सूरह फातिहा के इल्म अल्लाह ने बिस्मिल्लाह में रखा है, मजीद फरमाया कि बिस्मिल्लाह के इल्म अल्लाह ने बिस्मिल्लाह के बा में रखा है, मजीद फरमाया कि जो वो बा का इल्म है सारा इल्म बा में, बा का जितना इल्म है वो बा के नुक्ते में रखा है, और मेरे मौला फरमाते हैं वो नुक्ता में अली अल मुर्तजा हूँ, शेर खुदा हूँ, शाह खैबर शिकन गुले गुलदस्ते पंज तन जोजे बतूल, मौला कायनात मौला अली शेर खुदा आप हैं। जब कुरान के साथ भी हमारी दोस्ती होगी, कुरान के साथ भी रिश्ता मजबूत होगा, मौला कायनात के साथ भी रिश्ता मजबूत होगा, तो इंशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ना सुनना समझना हमारे लिए मजीद आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप तमाम मेहमानों का जिन्होंने प्रोग्राम में यहाँ पे शिरकत की है, और इतने खूबसूरत मैसेजेस जो आज हमें मिले हैं इस अहम और फजीलत वाली रात को, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए और हमारी इबादत को भी कबूल फरमाए। और इसी के साथ ही मैं आशा हुसैन साहब आपसे भी गुजारिश करूँगी एक मनकबत की, और इसी के साथ हम चलेंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद करेंगे आपको दोबारा ज्वाइन। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिसम देखता हूँ नजारा अली का है, जिसम देखता हूँ और कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। और आया था ना एक शख्स मौला अली के मुकाबले पे, उसका हशर क्या हुआ, मरहब दोनी में है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब मरहब दोनी में है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं। वेलकम बैक, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं मरहबा सही नशरात में। और जनाब अब वक्त हुआ जाता है हमारे एक और पसंदीदा सेगमेंट आपका और हमारा कौन बनेगा सच की आवाज़, तो उसे शुरू करते हैं। और क्वार्टर फाइनल का जो अगला राउंड है उसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं। आज हमारे साथ जो जजेस में यहाँ पर हमारा पैनल कम्प्लीट हो चुका है, एक शख्सियत जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपकी शिरकत का। इन्हीं के साथ मौजूद हैं सैयदा सना हमाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। हमारे साथ मौजूद हैं नातवा शख्सियत हाफिज़ मोहम्मद शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। और मौजूद हैं जनाब सज्जाद अली दरवेश साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। तो आते हैं अब हम अपने इस मुकाबले की तरफ। हमारी जो आज की पहली पार्टिसिपेंट है और मैं माँ शहजाद, इनको सुनते हैं और देखते हैं कि आज मुकाबला कल की तरह रहेगा या कैसा रहेगा। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे, चुनी नो चुना तुम्हारे
دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جی اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرف سید کفایت حسین شامل ہوں گے ہمارے ساتھ اور کل کا جو مقابلہ رہا وہ اب ہمارے آنے والے پارٹیسپینٹس کے لیے ایک مطلب ایک سمجھیں یہاں پہ ایک مثال ہے کہ اب آپ کے لیے چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو پیچھے لے جا سکتی ہے. کل ایک تھوڑا سا دورانیہ ایسا آ گیا تھا کہ جہاں پر ہم نے تین تین کو سنا تھا, تو ایسی سچویشن ہونی چاہیے کہ آپ آرام سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ آگے جا سکتے ہیں. غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ غلطیوں کی گنجائش کم سے کم ہو. جی بسم اللہ کیجیے گا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شے دا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شے دا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا پورے قد سے جو کھڑا کھڑا تو اے تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں
देता है सहारा, बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा दोबारा ये आपकी याद दहानी के लिए बता दूँ कि अपने कलाम को मुख्तसर रखिएगा। और हजाब जी, मैमूना बतूल हमारे साथ हैं, हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट हैं, और बिस्मिल्लाह कीजिए। और ये याद रखिए कि अगर आपने कलाम में ज़्यादा अशार शामिल किए तो आपके नंबर्स यहाँ पर कट भी सकते हैं, क्योंकि महदूद वक्त है यहाँ पर। जी हाँ, मैंने जजेस इस वक्त मसरूफ़ हैं, इनको डिस्टर्ब ना किया जाए तो अच्छा है। जी उस रवि के सामने हमारे साथ अब मौजूद हैं हिजाब फातिमा। और मैं ये कहती हूँ कि देखिए, वो जुमले बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसमें जो है वो आप टाइम भी ज़ाया हो रहा है, तो ये कोशिश करें कि ऐसा ना हो। जी जी हिजाब, आप यही कीजिएगा कि आप जुमलों की तकरार दोबारा बार बार नहीं कीजिएगा। अच्छा, बल्कि इनको हम ब्रेक के बाद सुन लेते हैं, क्योंकि ब्रेक भी होने वाली है। तो आज अभी तक ओवरऑल आप तीन को सुन चुके हैं। वसीम भाई, क्या मुकाबला कल की तरह का ही है या आज आप लोग अभी तक थोड़ा सा मुकाबला कल है। तो बड़ा टफ था, बहुत टफ था बिल्कुल, मगर आज जो है ना भरपूर तैयारी से बच्चे नहीं लग रहे। ठीक है, ऐसा ही है सना? हाँ, थोड़ी तैयारी कम लग रही है। हाँ, एक्सप्रेशन छुपा छुपा के बस ठीक है, तैयारी है और ऐसे ही रखें। जी शकील साहब, वसीम भाई ने जैसे कहा वैसे ही बात है कि तैयारी मुकम्मल, तलफ़ की भी गलतियाँ हो रही हैं और सुर के हिसाब से भी कॉन्फिडेंस भी नहीं है। चलें वो अब क्वार्टर फाइनल में है तो बहरहाल जी होना चाहिए। आपने जैसे कहा कि टाइम बच्चे ज़्यादा ले रहे हैं, आप इनको टाइम लेने दें, क्योंकि इनके नंबर माइनस हो रहे हैं, क्योंकि हमें फिर रिजल्ट सुनाना आसानी होगी। ये अब सुन लें जो आप बैठ चुके और कोई कमेंट्स ही नहीं आज, ये अब देख लें कि अगर आप टाइम ले रहे हैं तो ले रहे हैं, फिर यहाँ पर जो हो रहा है ना तो रिजल्ट आसान हो जाएगा ना। बस सही है, ठीक है जी, आप लोग ही अपना रिजल्ट आसान कर रहे हैं यहाँ पर मेहमानों के लिए। तो आप चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक की बात करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं जनाब। हमारे पास आज चौथी जो हमारी पार्टिसिपेंट है, हिजाब फातिमा, बिस्मिल्लाह कीजिए हिजाब। साथ हैं हमारे आज के पांचवें पार्टिसिपेंट हामिद हुसैन जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। तुझ सा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन, खतमुल मुर्सलीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ए अजल के हसी, हे अबद के हसी, तुझ सा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन, खतमुल मुर्सलीन। और आखिरी पार्टिसिपेंट हमारे नूर बख्श ताहिरी। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पर और इतना दिया,
दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के ईमान मिला के, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। और इसी के साथ ही के नतीजा तो अभी हमारे पास कुछ ही देर में आ जाएगा। सना हमारे साथ मौजूद है, सना एक कलाम की गुजारिश है आपसे। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। और फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। और हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। शुक्रिया सना। और इसके साथ मेरे पास आज का नतीजा भी आ चुका है, और आज जो हमारे पास जो दो खुशनसीब हैं उनमें पहला नाम है सैयद किफ़ायत हुसैन, आपको बहुत मुबारक हो और आप सब यहाँ पर आ जाएं, और दूसरा नाम है नूर बख्श ताहिरी, आपको भी मुबारक हो। और इसी के साथ ही जाहिर सी बात है कि आज तो रात ही ऐसी है, क्या पता ये शब कदर की रात हो, की बरकतों वाली रात हो, तो अल्लाह ताला जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं इन सब की हमारी
जो दिल से हमने ख्वाहिशात की हैं, हमारी तमाम जायज ख्वाहिशात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जाहिर सी बात है कि जो आज इतनी खूबसूरत रात में जो कलाम पढ़े गए हैं वो तो मकबूल हो गए हैं अल्लाह के पास। अब मैं इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है, वक्त हमारा बहुत मुख्तसर होता है, तो जिसमें हम जल्दी जल्दी से आज शामिल कर लिए हैं कलाम। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों की शिरकत रही प्रोग्राम में, और इसी के साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और शकील भाई, मैं आपसे एक कलाम की गुजारिश करूँगी जाते जाते। मोहम्मद से वादा ये हमारा है, कह रब ने मोहम्मद से वादा ये हमारा है, कह रब ने मोहम्मद से वादा ये हमारा है, कह रब ने मोहम्मद से वादा ये हमारा है, हम देंगे उसे जन्नत नौकर जो तुम्हारा है, हम देंगे उसे जन्नत नौकर जो तुम्हारा है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन